In the field of civil engineering, it is impossible that we haven't talked about the slab. In this video, we will understand the slabs, their classification, and their load distribution. Hi guys, my name is Nikhil and you're watching StruckMe. वीडियो को स्टार्ट करते वक्त आई विल गो विद टू अप्रोच ओवर हियर। एक तो मेरा अप्रोच रहेगा इसमें थ्योरेटिकल अप्रोच, जो कि फॉर्मूला बेस हम लोग बोलते हैं, एंड द सेकेंड अप्रोच इन दिस वीडियो विल बी मॉडल वन। ओके, स्टार्ट करते विद द फॉर्मूला अप्रोच और कैन से द बेसिक कंसेप्ट। तो देखो, बेसिक कंसेप्ट मतलब जो फॉर्मूला जो होता है मुझे, देखो इट डिपेंड्स अपॉन मेरे जो स्लैब्स है। ओके, एक तो रहता है सबसे पहले दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द शेप्स। ओके, शेप्स मतलब कैसे, फिर वी हैव अ रेक्टेंगुलर, देन द सेकेंड में कैन से सर्कुलर, ठीक है, देन यू कैन से ट्राइंगुलर। ठीक है, बट ये जो मेरा वीडियो है ना, उसमें मुझे इन तीनों में या फिर और जो शेप्स रहते हैं यू कैन से, इसमें ज़्यादा कंसर्न नहीं है। आई एम मोस्टली कंसर्न ओवर हियर अबाउट रेक्टेंगुलर स्लैब्स, जिसका एलवाई बाई एलएक्स रेशियो के हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं फॉर डिज़ाइन पर्पज। ओके, दैट इज एस्पेक्ट रेशियो, एलवाई बाई एलएक्स रेशियो जो है उसको एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं हम लोग, तो उसके बारे में बात करेंगे। देखो, कीपिंग दीज पर्टिकुलर थिंग्स असाइड, देखो मेरा जो मेन क्लासिफिकेशन है स्टार्ट होता है विद वन वे स्लैब एंड सेकेंड टाइप यू कैन कॉल्ड एज इफ टू वे स्लैब। ठीक है, तो आई एम मोस्टली कंसर्न अबाउट रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर शेप जो रहते हैं स्लैब्स के, जो हम लोग अपने बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में देखते हैं उसके बारे में। सो टॉकिंग अबाउट द वन वे एंड टू वे स्लैब, तो देखो वन वे एंड टू वे स्लैब मतलब क्या, तो इट डिपेंड्स अपॉन आपका जो एलवाई बाई एलएक्स रेशियो है। ठीक है, एलवाई बाई एलएक्स रेशियो, ठीक है, तो आई राइट इट डाउन एलवाई एंड एलएक्स रेशियो, उसको बताने के लिए या फिर उसको समझने के लिए ऐसे समझे कि वी हैव अ स्लैब, स्लैब विच इज इन दिस वे। ओके, अभी एलवाई कौन सा, एलएक्स कौन सा, तो देखो ये वर्टिकल एक्सिस है इसीलिए वाई एंड ये हॉरिजॉन्टल है इसीलिए एक्स, ऐसा कुछ नहीं रहता। बेसिकली जो लॉन्गर साइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलवाई। What is LY over here? It is a longer side, or you can say longer projection. And what is LX? It is a shorter one. ठीक है, सो ये तो पहले कंसेप्ट हम लोग ने मालूम करके ले लिया ना। LY by LX ratio, if it is, ठीक है, if it is less than 2, तो ये रहता है टू वे स्लैब, if it is greater than 2, तो ये रहता है वन वे स्लैब। तो देखो मैं इधर लिख देता हूँ, LY by LX ratio, if it is less than 2, or you can say equal to 2 भी होता है, तो कौन सा स्लैब हो गया, तो टू वे स्लैब हो गया। बट इफ इट इज माय एलवाई बाय एलएक्स रेशियो, ओके, इफ इट इज ग्रेटर देन 2, तो ये कौन से टाइप का स्लैब हो जाएगा, इट विल बी अ वन वे स्लैब। ये तो हो गया फॉर्मूला बेस। अभी कंसेप्ट में थोड़ा सा आगे जाते हैं हम लोग, इसमें देखो वन वे क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट हैज वन डायरेक्शनल सपोर्ट। ओके, वन डायरेक्शनल सपोर्ट, एंड ये जो टू वे स्लैब है उसमें कैसे रहता है, वी हैव अ टू डायरेक्शनल सपोर्ट। ठीक है, तो वन डायरेक्शनल एंड टू डायरेक्शनल कैसे रहता है, क्या रहता है, उसको समझने के लिए देखो, आई हैव अ टू मॉडल्स विद मी, लेट अस से दीज आर माय टू मॉडल्स। ओके, मतलब विद द एग्जांपल विल अंडरस्टैंड। ये देखो, ये एक सबसे पहला जो आपके सामने है, ये एक ऐसे समझ लो कि एक स्लैब है एंड दिस विल बी अनदर वन स्लैब। ठीक है, दीज आर व्हाट यू कैन से बेसिकली टू पीसेस ऑफ अ थर्माकोल, मैंने उसको कट करके रखा एंड राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन दीज पर्टिकुलर टू स्लैब्स। अभी देखो, सबसे पहले जैसे मैंने फॉर्मूला वाइज लिखा हुआ है, ठीक है, एलवा बाय एलएक्स रेशियो। ओके, अभी देखो मेरे पास स्लैब्स के डायमेंशंस लिखे हुए हैं, ठीक है, ये स्लैब्स के ऊपर आई हैव अ डायमेंशंस विच इज रिटन 6 मीटर बाय 2 मीटर, एंड जो सेकंड स्लैब है उसके ऊपर जो डायमेंशन लिखे हुए हैं विच इज 6 मीटर बाय 4 मीटर। ठीक है, वॉट आर दीज पर्टिकुलर लाइन्स, इसके पीछे का सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग वीडियो के एंड में बात करेंगे। राइट नाउ जस्ट फोकस दैट वी हैव अ स्लैब विच इज द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ स्लैब राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ अस। तो देखो एलवाई बाय एलएक्स रेशियो, सबसे पहले बात करते हैं, देखो एलवाई बाय एलएक्स रेशियो में 6 बाय 4, ओके, एंड द सेकेंड वन इज 6 बाय 2। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन दिस पर्टिकुलर रेशियोज। ओके, तो देखो एक रहता है आपका 6 बाय 2 एंड जो सेकेंड है विच इज अ 6 बाय 4। देखो 6 बाय 2 मतलब कहने से विच इज इक्वल टू 3, बिकॉज एलवाई कौन सा है, तो एलवाई मतलब लॉन्गर प्रोजेक्शन, एंड एलएक्स कौन सा रहता है, तो शॉर्टर वन। देखो
ये मैंने स्लैब को ऐसा पकड़ लिया या फिर ऐसा भी सिलेक्ट कर लिया, इसका एलवाई हमेशा 6 ही रहने वाला है। एंड इफ इट इज आई एम सिलेक्टिंग अ स्लैब लेट अस से इन दिस वे और दिस वे, इसका भी एलवाई कौन सा रहने वाला है, यही रहने वाला है। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन जो लॉन्गर साइड है, तो लॉन्गर साइड पर शॉर्टर साइड का रेशियो कितना है, सो इट इज 6/2, ओके विच इज अ 3। तो देखो ये जो स्लैब था, ये जो पहला वाला स्लैब है, इसका 6/2 रेशियो कितना आया, 3। एंड ये जो सेकेंड स्लैब है विच इज 6/4 विच इज इक्वल टू 1.5, दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज ग्रेटर देन 2 एंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज लेस देन 2। तो देखो ये जो स्लैब है ना, दैट इज दिस पर्टिकुलर वन जो आपके सामने है, ये कौन सा स्लैब हो गया। तो देखो लेस देन 2 मतलब ये पर्टिकुलर पार्ट हो गया, तो लेस देन 2 मतलब टू वे स्लैब हो गया। तो ये कौन सा स्लैब है, इट्स अ टू वे स्लैब। ओके, ये स्लैब का बात होने के बाद वेलकम टू द फर्स्ट वन, दैट इज 6/3, सॉरी 6/2। 6/2 का कितना आ रहा है, 3 विच इज ग्रेटर देन 2, तो ये कौन सा स्लैब हो गया, तो ये हो गया और वन वे स्लैब। तो बेसिक डिफरेंस देखो बेस अपॉन द शेप। ओके, अगर कोई शेप मुझे बहुत स्टीप रेक्टेंगल की तरह ही लग रहा है, ठीक है, सो दैट विल बी व्हाट यू कैन से वन वे स्लैब। बट एट द सेम टाइम अगर मुझे थोड़ा सा स्क्वायरिश, ओके स्लाइटली स्क्वायर से रेक्टेंगल की तरफ जा रहा है ऐसा कोई शेप दिख रहा है, तो उसको मैं क्या कंसिडर करूंगा, आई विल कंसिडर टू वे स्लैब। बट बिफोर आई कंसिडर आई ऑलवेज हैव टू मेक श्योर वॉट इज द एल वाई बाई एल एक्स रेशियो। ओके, मुझे ये दोनों क्राइटेरिया या फिर ये जो क्राइटेरिया है इसमें चेक करना है मेरा स्लैब्स कौन सा। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला वे टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ अ स्लैब। बट उसके साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया, आई वॉज टॉकिंग अबाउट अ वन वे डिरेक्शनल एंड टू वे डिरेक्शनल सपोर्ट। तो देखो आपका जो स्लैब है ना, दिस पर्टिकुलर आई टॉक अबाउट द टू वे स्लैब। ओके, ये जो टू वे स्लैब है, ये टू वे स्लैब को देखो लोडिंग की वजह से इट विल बेंड, ठीक है, ये आपका बेंड होगा ऐसे एंड इट विल बेंड इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो देखो अगर साइड वाइज आप देखना चाहते हो तो देखो ये ऐसे बेंड होगा एंड ये साइड से आप देखना चाहते हो तो ये ऐसे बेंड होने वाला है, ठीक है। तो जो स्पैन रहता है स्लैब का, स्पेशली इन अ टू वे स्लैब, तो देखो ये जो 4 मीटर स्पैन है, 6 मीटर स्पैन है, दीज स्पैन्स आर वेरी मच लार्जर वन, वो बहुत लार्ज स्पैन है, तो उसमें बेंडिंग होके बहुत ज़्यादा रहेगा। इसीलिए इसीलिए टू वे स्लैब में देखो दो डायरेक्शंस में सपोर्ट प्रोवाइड किए हुए रहते हैं, इसीलिए उसको टू वे बोलते हैं, ठीक है। मतलब कैसे, तो देखो ये जो स्लैब है उसका मैं नीचे वाला बाजू आपको दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, लेट अस से ये जो आपको हाईलाइटर से जो मार्क किए हुए है, दीज आर व्हाट यू कैन सी द बीम्स, ठीक है। मतलब देखो ये जो है आपको दिख रहा है, दैट इज अ वाइट पोर्शन विच इज अ स्लैब एंड जो कलर्ड पोर्शन है विच इज व्हाट यू कैन सी द बीम्स। ओके, तो ये स्लैब के नीचे, ये स्लैब के नीचे अगर बीम्स प्रोवाइड किए हुए है अलॉन्ग ऑल साइड्स, दैट इज वन डायरेक्शन एंड दिस विल बी योर सेकेंड डायरेक्शन, मतलब ये हो गया वन डायरेक्शन और ये हो गया सेकेंड डायरेक्शन। अलॉन्ग वन एंड टू, टू डायरेक्शन से अगर सपोर्ट्स प्रोवाइड किए हुए है तो ये कौन सा स्लैब हो गया, दिस विल बी योर टू वे स्लैब। ओके, सो एल वाई बाई एल एक्स रेशियो तो रहेगा, इसके साथ ही साथ मुझे किसके बारे में देखना है, टू लुक फॉर द सपोर्ट्स। ओके, ये हो गया आपका टू वे स्लैब का एक्सप्लेनेशन। नाउ वेलकम टू द वन वे स्लैब। ओके, वन वे स्लैब में देखो ये जो मेरा शेप था, इसमें देखो आई हैव अ मेजर बेंडिंग अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, ये जो एक्सिस है अलॉन्ग ये एक्सिस मुझे बेंडिंग सबसे ज़्यादा होने वाला है, जस्ट बिकॉज आई हैव अ बेंडिंग अलॉन्ग दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। एंड इफ आई टॉक अबाउट अ बेंडिंग अलॉन्ग ये जो शॉर्टर स्पैन है, ओके दैट इज 2 मीटर का स्पैन जो है, इसके अलॉन्ग अगर मैं बेंडिंग देखना चाहता हूँ, ये बहुत कम रहेगा एज कम्पेयर टू दिस डायरेक्शन। ओके, एंड इसके वजह से ही ये जो स्लैब है उसको हम लोग ने जो सपोर्ट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, दीज आर ओनली इन वन डायरेक्शन। देखो ये एक डायरेक्शन हो गया, ओके, तो सपोर्ट्स आर प्रोवाइडेड दैट इज बीम्स। ओके, ये जो बीम्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, दीज आर प्रोवाइडेड इन वन डायरेक्शन। ओके, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, वन वे स्लैब। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वन वे स्लैब एंड अ टू वे स्लैब, टेक्निकली वन वे एंड टू वे स्लैब का डिफरेंस ये आपके सामने, दैट इज बीम्स आर प्रोवाइडेड इन टू डायरेक्शन सो टू वे स्लैब, एंड इफ इट इज बीम्स आर प्रोवाइडेड इन वन डायरेक्शन सो दैट इज वन वे स्लैब। तो ये तो हो गया बेसिक्स बिहाइंड व्हाट यू कैन से डिफरेंशिएशन बिटवीन द वन वे स्लैब एंड अ टू वे स्लैब। इसके आगे वाला जो पार्ट है इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। देखो आई वॉज टॉकिंग अबाउट अ लोड पाथ और यू कैन से लोड ट्रांसफर। ओके, अभी देखो जो बीम्स हैं जो हम लोग ने प्रोवाइड किए हुए हर एक स्लैब के नीचे, वो कैसे कैसे लोड कैरी करेंगे उसके बारे में बात करते।
आई टॉक अबाउट द वन वे स्लैब फर्स्ट। तो देखो वन वे स्लैब में कैसा रहता है, आपको ये जो बीच में से लाइन दिख रहा रहेगा, ऐसे समझो कि ये जो लाइन है दिस इज व्हाट यू कैन सी द यील्ड लाइन। ठीक है, ये यील्ड लाइन जो है इसका एक जो थ्योरी है इसके बारे में हम लोग अभी डीप में बात नहीं करते, विल मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन दैट। बट जस्ट कंसिडर कि इफ इट इज ये स्लैब के ऊपर अल्टीमेट लोड तक का लोडिंग अगर हम लोग ने अप्लाई किया तो जो डिफॉर्मेशन आने वाला है स्लैब में, दैट इज बेंड होके टूटने वाला है, वो किधर होगा? तो देखो ये लाइन जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो ये जो हाफ पोर्शन है ना, हाफ पोर्शन, ये हाफ पोर्शन ऑफ अ स्लैब मतलब आपका जो स्लैब है उसका हाफ पोर्शन का जो लोड है ना, ये साइड का लोड कौन लेगा? तो ये साइड वाला बीम लेगा। एंड ये जो हाफ पोर्शन वाला जो लोड है ये लाइन के ये साइड का लोड, ओके, लाइन के ये साइड वाला लोड वो कौन लेने वाला है? तो ये साइड का बीम लेने वाला है। सो वन वे स्लैब में देखो लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है, एक बीम हाफ पोर्शन का लोड ले लेगा, अदर बीम हाफ पोर्शन का लोड ले लेगा। ओके, तो ये बेसिक्स था बिहाइंड लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है इन अ वन वे स्लैब। नाउ विल टॉक अबाउट टू वे स्लैब। तो देखो उसको जानने के लिए आई हैव टू अगेन डील विद दिस लाइन्स। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ये जो लाइन्स है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो ये जो लाइन्स है ना, ये लाइन्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो देखो जो नीचे हम लोग ने बीम दिए हुए फॉर सपोर्ट, ओके, ये जो बीम से हर एक बीम लोड लेने वाला है। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ लेटर से, ये जो बीम प्रोवाइड किया हम लोग ने अलॉन्ग ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, ओके, ये पूरा एक बीम हो गया। ये जो बीम प्रोवाइड किया होगा ये बीम के ऊपर लोड कौन सा आएगा? तो देखो बीम के ऊपर ये जो ट्राइंगुलर लोड है, ठीक है, ये जो ट्राइंगुलर एरिया है इसका लोड ये बीम के ऊपर ट्रांसफर होने वाला है। ओके, अगेन ये जो लाइन्स है ये यील्ड लाइन्स ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन केस ऑफ अ टू वे स्लैब। ओके, सो ये बीम्स के ऊपर लोड किसका आएगा? ये ट्राइंगुलर पोर्शन का आएगा। एंड इफ इट इज इफ आई टॉक अबाउट दिस बीम, ये बीम कौन सा लोड लेगा? तो ये ट्रेपेजॉइडल पोर्शन का लोड लेगा। ठीक है, तो ये ट्रेपेजॉइड का जो पोर्शन है या फिर ट्रेपेजॉइड का जो एरिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, विल मल्टीप्लाई विद द थिकनेस ऑफ अ स्लैब, विल गेट द वॉल्यूम एंड जो डेंसिटी रहेगा कंक्रीट का उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग को क्या मिल जाएगा, अ टोटल लोडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्शन, वैसे ही टोटल लोडिंग ऑफ अ ट्राइंगुलर पोर्शन। तो ये जो टोटल लोड रहेगा ट्रेपेजॉइडल एंड अ ट्राइंगुलर, ये कौन से बीम के ऊपर एक्ट करेगा? तो देखो लॉन्गर लेंथ पे जो अपना लॉन्गर लेंथ है उसके ऊपर ट्रेपेजॉइडल लोडिंग रहेगा, एंड जो अपना शॉर्टर लेंथ है उसके ऊपर ट्राइंगुलर लोडिंग रहेगा। ओके, सो देखो ट्राइंगल एंड ट्रेपेजॉइडल। नाउ क्वेश्चन अराइज है ये जो लाइंस ड्रॉ की हुई है ये कैसे होते हैं? तो देखो ये जो लाइंस आते हैं दिस पर्टिकुलर लाइंस विल जनरेट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। कितना रहेगा? तो 45 डिग्री पर रहेगा। एंड इसके रिलेटेड अगर आपको स्टडी करना है यू कैन रेफर IS 456। ओके, सो IS 456 में इसका जो यील्ड लाइन के रिलेटेड जो है डिटेल्स विच इज गिवन इन IS 456। तो ये जो बेसिकली 45 डिग्री है, तो ये सब लाइंस 45 डिग्री पे एंगल बना रहे। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ 45 डिग्री एंड 4 मीटर साइड और 6 मीटर साइड और विच एवर साइड वी हैव, वी कैन इजीली एबल टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एंड अ ट्रेपेजॉइडल पोर्शन। सो दिस इज द बेसिक वे टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ वन वे स्लैब एंड अ टू वे स्लैब। तो So that's all about this video. If you have any doubts or suggestions, please drop them in the comments. Thank you so much for watching this video. Have a nice day.